चलो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। लेक्चर ये हमारा फर्स्ट है। अब ध्यान देना, नेशनल इनकम का अगर आप लोग को डेफिनेशन अगर याद होगा तो मैंने क्या डेफिनेशन बताया था, तो यहाँ पे मैंने बताया था इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। क्या बताया था? नेशनल इनकम इज सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। कौन जनरेट करेगा? जनरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। टाइम पीरियड कितना था? तो एक अकाउंटिंग ईयर। अब ध्यान देना, फैक्टर इनकम कौन कौन से हमारे इकोनॉमी में है? तो आप लोग को पता है फैक्टर इनकम हमारे पास चार होते हैं। कौन कौन सा? कंपनसेशन, दूसरा क्या था? रेंट, तीसरा क्या था? प्रॉफिट। इंटरेस्ट, और चौथा था हमारा प्रॉफिट। ये हमारा चार फैक्टर इनकम होता है। अदर वे में कहें तो ये हमारा चार खर्च भी होता है प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोड्यूसर के लिए ये चार चीज खर्च है। कैश कंपनसेशन प्रोड्यूसर देगा हाउस होल्ड को, रेंट भी देगा प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को, इंटरेस्ट भी देगा, प्रॉफिट भी देगा। तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खर्च है। लेकिन अगर हम लोग बात करें हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनके लिए ये क्या है? हमारा फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाउस होल्ड, इसी को फैक्टर पेमेंट भी कहेंगे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान देना, इन चार चीजों को ये हमारा मैंने डिफाइन किया था ये टर्म कि नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है। तो एनएनपी एट एफसी कैसे आया, तो मैं दिखा रहा हूं। एनडीपी एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखो यहाँ पे डोमेस्टिक है, इसमें हम लोग ऐड करते हैं एनएफआईए, तो ये क्या बनता था? डोमेस्टिक लेवल है, हम लोग क्या ऐड कर दिए? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो कि हम लोग अब्रॉड से अर्न किए। तो हम लोग कौन से लेवल पे पहुंचते हैं? तो नेशनल लेवल पे। अब ध्यान देना है, ये चार चीज क्या था हमारा? तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो मैंने आप लोग को बताया था फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारा इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज के बारे में हम लोग कोई ट्रीटमेंट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये चार चीज का सम। तो ये चार चीज का सम, कंपनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, कौन से लेवल पे? डोमेस्टिक लेवल पे। किन चीजों के लिए? तो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या है हमारा, ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो अगर हम लोग इसको हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझे? प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारा फैक्टर पेमेंट का सम है। ये क्या हमारा, जो प्रोड्यूसर को जो खर्च लगा उन सारे खर्च का सम है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं है। अगर इसी को हम लोग हाउस होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, तो ये सारा इनकम का सम है। ये जो टर्म जो मिल रहा है हम लोग को फैक्टर इनकम, ये फैक्टर इनकम का सम है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग? तो डोमेस्टिक लेवल पे बात कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं और इसको हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसी में हम लोग क्या ऐड करेंगे? एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब जो अब्रॉड से अर्न किया है। डोमेस्टिक इनकम में अगर अब्रॉड का अर्निंग ऐड करेंगे तो क्या नहीं मिल के आएगा हम लोग को? नेशनल सर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं समझ में आया था। इनकम देखो,
इनकम और प्रोडक्ट इसलिए लिखे हैं क्योंकि देखो मैंने क्या बताया था कि अगर गवर्नमेंट नहीं रहेगा, ध्यान देना ये जो टर्म है, अगर गवर्नमेंट नहीं रहेगा तो ध्यान देना क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्शन है वही अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा इनकम में, तो डोमेस्टिक इनकम वैसे बराबर होगा हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट के। कैसे हुआ? इसलिए कि अगर गवर्नमेंट को हम लोग अगर नहीं मान के चले तो क्या होगा, जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, वही अल्टीमेटली क्या बन के आएगा, जो उसको रेवेन्यू होगा वही तो बांटेगा ना। प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन किया, उससे जो रेवेन्यू आया उसी को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो प्रोडक्शन का ही वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट किया ना, इसलिए ये क्या होगा, जो इनकम होगा इसको हमने डोमेस्टिक इनकम कहा, तो इसको हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, और इसको अगर हम लोग नेशनल इनकम कह रहे हैं तो इसको हम लोग नेशनल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग को क्या फाइंड आउट करना रहेगा, तो ये टर्म फाइंड करना रहेगा, एनएनपी एट एफसी। अगर कोई पूछेगा कि फाइंड नेशनल इनकम, तो आप लोग को समझना होगा क्या पूछ रहा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। तो मैंने भी समझाया डेफिनेशन से, फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेसिडेंट जनरेट करता है, किन दो चीज का सम है, डोमेस्टिक इनकम और प्लस एनएफआई है। अब अगर आप लोग को याद होगा तो मैंने पढ़ाया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो मैंने इसमें आपको बताया था कि हमारी इकोनॉमी में तीन एक्टिविटी क्या, कौन कौन सा, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दूसरा एक्टिविटी कौन सा है, जेनरेशन ऑफ इनकम, और तीसरा एक्टिविटी कौन सा हमारा है, डिस्पोजल ऑफ इनकम। हाँ डिस्पोजल ऑफ इनकम। ये तीन एक्टिविटी हमारा क्या, हमारा तो कंटिन्यूअस है, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये एक्टिविटी कभी रुक जाए। तो इसी तीन बेसिस से देखो यहाँ पे तीन एक्टिविटी है, जो हमारा प्रोडक्शन का वैल्यू है अल्टीमेटली वही हमारा इनकम भी होगा, जो हमारा इनकम आया अल्टीमेटली उसी को हम लोग खर्च भी करेंगे। तो ये तीन एक्टिविटी है, और तीनों एक्टिविटीज के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम को फाइंड आउट करेंगे। अब तीन एक्टिविटी क्यों, तीन एक्टिविटी है हमारे पास तो इसलिए मेथड भी तीन है, क्यों मेथड तीन है, तो देखो कहीं कहीं पे हमारे पास प्रोडक्शन का डेटा अवेलेबल होता है, कहीं कहीं पे हमारे पास किन चीज का डेटा रहता है हमारा, तो इनकम का सिर्फ डेटा हमारे पास है, कहीं कहीं पे सिर्फ हमारे पास खर्च का डेटा है। तो जैसा हमारे पास डेटा रहेगा उसके बेसिस पे हम लोग उस टाइप के मेथड को अप्लाई करेंगे। तीन हमारा फेज है, पहला प्रोडक्शन का, दूसरा ये वैल्यू इनकम के टर्म में जनरेट होगा, और ये वैल्यू फिर क्या होगा, खर्च होगा, फिर ये प्रोड्यूस होगा, फिर जनरेशन होगा इनकम का, फिर डिस्पोजल होगा, और ये तीन स्टेप कभी हमारा रुकता नहीं है, ये सर्कुलर है और ये कभी स्टॉप नहीं करता है, इसलिए इसको क्या कहा गया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब तीन एक्टिविटीज है, तो पहला है प्रोडक्शन, तो इसके लिए कौन सा मेथड है, तो इसका वाली मेथड है वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। पहला मेथड कौन सा है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का, तो वैल्यू एडेड मेथड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड। कैसे निकलता है इस मेथड में नेशनल इनकम, तो हम लोग जो भी वैल्यू एडेड हुआ है या फिर मतलब क्या, जो भी प्रोडक्शन हुआ उसकी बेसिस पे। दूसरा है हमारा जेनरेशन ऑफ इनकम, इसके लिए कौन सा मेथड हमारे पास है, तो इनकम मेथड। दूसरा मेथड कौन सा है, इनकम मेथड। तीसरा मेथड कौन सा है नेशनल इनकम को निकालने का, एक्सपेंडिचर मेथड। हम लोग एक एक करके तीनों मेथड सीखेंगे, फिर ये हमारा इसके बाद लास्ट चैप्टर ही होगा ये शायद।
यहाँ तक मैंने जो बताया, किसी को कोई डाउट है? नो ग्रॉस वैल्यू देगा, वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सबसे जीडीपी एड दे देना। आप लोग इसको कॉपी करते रहना, आप लोग इसको कॉपी कर लो, फिर मैं इसको समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने स्पेस दिया है, तो आप लोग भी यहाँ पे स्पेस देना दो लाइन का। पहला मेथड है वैल्यू एडेड मेथड, इसी को हम लोग दूसरा नाम कौन सा है, प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये मेथड क्या कहता है, तो जैसा इसका नाम है वैसा ही हम लोग करेंगे भी। वैल्यू एडेड, आप लोग वैल्यू एडेड के बारे में जानते हो, वैल्यू एडेड का मतलब है कि अगर कोई चीज मेरे पास कुछ भी चीज है, अगर मैंने अपना कोई एफर्ट लगाया उसमें और उसका अगर वैल्यू बढ़ गया, तो हम क्या कह सकते हैं, हमने प्रोडक्शन किया या फिर हमने वैल्यू ऐड किया। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, तो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स की बात करूंगा, पहले पढ़ते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, तो वैल्यू एडेड मेथड का क्या मतलब है, इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी वैल्यू ऐड किया है कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाई एडिंग वैल्यू एडेड। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इस मेथड में, जो जितना वैल्यू ऐड किया है उन सारे के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एड अप करते जाएंगे। वैल्यू कौन कौन ऐड करेगा, तो प्राइमरी सेक्टर वाले लोग, सेकेंडरी सेक्टर वाले लोग और टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर हमारा इकोनॉमी का क्या करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा। प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो जो मछली पकड़ रहा है तो उसने भी कुछ ना कुछ क्या किया, पहले उसको कुछ खर्च लगा और फिर जो मेहनत किया तो बेचेगा तो कुछ ज्यादा ही में भी बेचेगा, कहने का मतलब उसने भी कुछ वैल्यू ऐड किया। जो दूध बेचता है उसको भी खर्च है, गाय लेगा फिर उसको क्या करेगा, मेहनत करेगा उसको फिर बेचेगा दूध, तो वहां पे उसने भी कुछ वैल्यू ऐड किया। सेकेंडरी सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन, जैसे बात करें कोई चीज हम लोग बाहर से मंगवा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, तो क्या उसका वैल्यू बढ़ रहा है, हमने कुछ एफर्ट लगाया कुछ उसका वैल्यू बढ़ेगा, हाँ, तो ये सेकेंडरी सेक्टर। इसके अलावा सर्विस सेक्टर भी जितने भी है वो भी कुछ ना कुछ हमारा वैल्यू ऐड कर रहे हैं। कहने का मतलब है इकोनॉमी में हर सेक्टर, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या फिर टर्शियरी सेक्टर हो, टीचर भी आप लोग का कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेंगे, तो ये चीज हमारा तीनों सेक्टर क्या है हमारा इकोनॉमी में अपना कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा। अगर कुछ किसी ने कुछ वैल्यू ऐड कर दिया तो हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन का मतलब क्या है हमारा, वैल्यू का एडिशन होना। अब इस चीज को हम लोग क्या समझे कि वैल्यू एडेड में नेशनल इनकम कैसे निकलेगा, तो इकोनॉमी का जितने भी सेक्टर है उन सारे सेक्टर के वैल्यू एडेड को हम लोग ऐड कर दें। और अगर फॉर्मूला आपको याद होगा वैल्यू एडेड कैसे निकलता है, तो मैंने लिखवाया था वैल्यू एडेड, यहाँ पे मैंने ग्रॉस लिखा है। क्यों लिखा है, इसलिए क्योंकि मैं इकोनॉमी लेवल पे बात कर रहा हूं, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ एडेड, मैं बता रहा हूं सिर्फ इसका फॉर्मूला। वैल्यू एडेड कैसे निकलता था, तो जो हमने आउटपुट बनाया, सपोज करते हैं कारपेंटर ने चेयर बनाया, चेयर बनाने में उसको कुछ ना कुछ खर्च लगा होगा, मान लेते हैं लकड़ी और अदर मटेरियल्स, तो मान लेते हैं ये सारा इसका खर्च कितना था, सपोज कर रहे हैं 500, और उसने इसी लकड़ी को चेयर में कन्वर्ट कर दिया, उसका कितना वैल्यू बन गया, तो सपोज 1500,
तो इस कारपेंटर ने कितना वैल्यू ऐड किया? तो ये ऐड किया 1000। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यही फॉर्मूला होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हर एक सेक्टर का वैल्यू ऐड करेंगे। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या है हमारा, तो जो वैल्यू ऐड किया प्राइमरी सेक्टर उसको ऐड करेंगे किसके साथ, जो वैल्यू ऐड किया सेकेंडरी सेक्टर, जो वैल्यू ऐड किया टर्शियरी सेक्टर, तीनों का जो वैल्यू एडेड है उन सारे को ऐड करेंगे तो ये कहलाएगा हमारा ग्रॉस वैल्यू एडिशन। ग्रॉस वैल्यू ये वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर कैसे निकलेगा, तो यही फॉर्मूला आएगा, इसलिए मैंने और लिखा है। ये तीन का सम ये है, ये तीन का सम कैसे निकलता है, तो आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं प्राइमरी सेक्टर ने कितना वैल्यू ऐड किया, तो क्या फॉर्मूला आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय प्राइमरी सेक्टर माइनस वैल्यू ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय प्राइमरी सेक्टर। क्या फॉर्मूला मैंने बताया, प्राइमरी सेक्टर ने कितना वैल्यू ऐड किया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय प्राइमरी सेक्टर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का भी वैसे निकलेगा, टर्शियरी सेक्टर का भी वैसे निकलेगा। अब ध्यान देना, वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे अगर जानना चाहें कि हमारे इकोनॉमी में कितना आउटपुट बना तीनों मिला के, प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर तीनों मिला के हमारे इकोनॉमी में कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, कैसे पता चलेगा, तो ध्यान रखना कैसे पता चलेगा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट दो चीजों का सम है, कौन चीज का, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक का क्या मतलब हुआ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सर ये फॉर्मूला हमको समझाइए थोड़ा सा, तो देखो ध्यान से, मैं बात कर रहा हूं कि इस साल हमारा कितना आउटपुट का वैल्यू है इस साल, तो कैसे पता करेंगे, तो सर इस साल जितना बिका हो सबको ऐड कर देंगे और क्या करेंगे, और क्या करना है, वो चीज जो इस साल बना है और नहीं बिका वही तो यहाँ पे आएगा चेंज इन स्टॉक में, उसका भी वैल्यू इसी ईयर के आउटपुट का हिस्सा होगा। कहने का मतलब है हमारे यहाँ एक साल में कितना आउटपुट बने, आउटपुट का वैल्यू कैसे पता करेंगे, तो देखेंगे क्या कि एक साल में कितना सेल्स हुआ, उसमें क्या ऐड करेंगे, वो प्रोडक्ट जो इस साल बना लेकिन नहीं बिका, इसलिए यहाँ पे चेंज इन स्टॉक आएगा। अब ध्यान देना है ये सेल्स कहाँ कहाँ हो सकता है, तो ध्यान रखना सेल्स हमारा दोनों जगह हो सकता है, कहाँ कहाँ पे, डोमेस्टिक प्लस क्या क्या होगा हमारा, सेल्स का मतलब क्या, हमारा डोमेस्टिक सेल्स भी वो सेल जो हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में किया है और जो हमने आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी किया, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हमारा सेल्स का इंफॉर्मेशन देगा। और इसी में हम लोग चेंज इन स्टॉक मतलब वो प्रोडक्ट जो इस साल बना है लेकिन बिका नहीं है, उसको भी हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट मानेंगे। अब आया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये क्या होता है सर, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है जो भी उसको खर्च लगा, अगर कोई भी चीज वो बनाएगा तो कुछ ना कुछ तो ये खर्च तो लगेगा, तो ये खर्च कहाँ कहाँ से कर सकता है वो, तो ये खर्च भी दो जगह से करेगा, इंटरमीडिएट परचेज वो कहाँ से करेगा, या तो वो डोमेस्टिक परचेज करेगा खर्च करेगा, या फिर वो क्या कर सकता है,
इंपोर्ट कर सकता है, ठीक है, कहीं बाहर से भी मंगवा सकता है। तो ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा। तो वैल्यू एडेड निकालने का बताए हैं, जो आउटपुट बन के आया उसमें से जो बनाने का खर्च लगा उसको माइनस करेंगे तो वो हमारा वैल्यू एडेड देगा। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा, हम पूरे इकोनॉमी का, तो इकोनॉमी के सेल्स में ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक, तो ये देगा हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट इकोनॉमी का। सेल्स का मतलब दो चीज, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट भी। खर्च ये कहाँ कहाँ से करेगा, तो दोनों जगह से कर सकता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दो जगह से होगा, या फिर डोमेस्टिक परचेज या फिर इंपोर्ट। अब आगे ध्यान दो, इतना करने के बाद हमारा आया ग्रॉस वैल्यू एडेड। यहां तक बताओ आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया, पहले यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे, ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब है इकोनॉमी का जितना भी सेक्टर है सबका वैल्यू एडेड। कैसे निकलता है वैल्यू एडेड, तो सर ये फॉर्मूला है। अब ग्रॉस वैल्यू एडेड किसके बराबर है, कौन से एग्रीगेट के बराबर है, तो ये बराबर है कौन से एग्रीगेट, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस। बहुत अच्छे से इस वैल्यू को याद रखना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या बताएं, ग्रॉस वैल्यू एडेड का क्या मतलब है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये कैसे है बताओ, तो ध्यान देना, ये ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस के बराबर कैसे है, मैं समझाता हूं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस को अगर आप लोग को याद होगा तो क्या बताया था मैंने, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या मतलब है, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है जो कि प्रोड्यूस हुए हैं उन सब के मार्केट वैल्यू का एडिशन होता है इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या बताया था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, डी का मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहा है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सब के मार्केट वैल्यू का सम इनक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन कहलाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस ग्रॉस वैल्यू एडेड के इक्वल कैसे है, मैं आप लोग को ये समझा रहा हूं, तो ध्यान रखना, हम लोग को ये जानना है कि वैल्यू एडेड, सारा वैल्यू एडेड हमको कहां पे पहुंचाएगा, तो मार्केट प्राइस पे पहुंचाएगा। किसका मार्केट प्राइस, तो गुड्स एंड सर्विसेज का। अब ध्यान देना, अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं बात करूं अभी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है या सबका कुछ ना कुछ प्राइस है, लेकिन अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग का, तो एक टाइम ऐसा था कि अर्थ पे जितने भी चीज मिले हमारे ह्यूमन बीइंग्स को वो कैसे मिले, एज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। कैसे मिला, तो एज अ गिफ्ट ऑफ नेचर लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने डोमेस्टिक एनिमल्स को क्या किया, जंगल से पकड़ लाया, कुछ लोगों ने क्या किया, पेड़ काट दिया, वहां पे घर वगैरह लकड़ी का बना के रहने लगा, और धीरे धीरे इसी टाइप से हमारा जनरेशन डेवलप हुआ होगा। हुआ क्या, अर्थ पे सबको पहले सब चीज फ्री में मिला, पानी हो चाहे जो भी चीज हो, जितने भी मिनरल्स है, मिनरल्स के लिए स्टार्टिंग में किसी को पैसा देना किसी को नहीं पड़ा। लोगों ने क्या किया, जिस लोग के पास जो जहां रहते थे वो लोग अपना कुछ ना कुछ एफर्ट लगाएं, और कहने का मतलब क्या है, एफर्ट लगाने का मतलब क्या है, उसने कुछ वैल्यू एड कर दिया। अब मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं,
मान लेते हैं किसी भी चीज का एग्जाम्पल लेते हैं, एक आदमी है ठीक है, वो क्या करता है, चार गाय जंगल से मान लो लेके आ गया, क्या उसको कुछ पैसा लगा? नहीं। जंगल से लकड़ी लेता था और उसको खिलाया पिलाया, जंगल से लकड़ी भी उसको फ्री में ही मिला, कुछ नहीं लगा। कहने का मतलब है उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है? जीरो। स्टार्टिंग के स्टेज में सभी लोगों को कुछ कोई खर्चा नहीं था, जो भी चीज मिला इंटरमीडिएट कंजम्पशन जीरो था। फिर लोगों ने क्या किया, वैल्यू एडेड किया। अब क्या हुआ, इसने एक आदमी था जो कि क्या किया, चार गाय लाया कहीं से, उसको खिलाया पिलाया और मिल्क प्रोड्यूस किया। मान लेते हैं मिल्क का एग्जांपल मैंने लिया, चलो मिल्क का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बात नहीं। मान लेते मैं एक साल की बात कर रहा हूं, एक साल में ये कितना वैल्यू एड किया, तो कैसे निकलेगा, इसने जितना भी मिल्क बेचा, मान लेते हैं एक साल में कितना बेचा, 1000 लीटर और 1 लीटर का दाम 20, तो 20,000 हो जाएगा। 20,000 लीटर ये हमारा दूध बेचा है एक पर्सन जिसके जिसने चार गाय लाया, और उसको क्या कुछ लगा? नहीं, जीरो। तो यहाँ पे वैल्यू एडेड कितना आया? 2000, और यही इसका मार्केट प्राइस है। मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लेते हैं मैंगो की बात कर रहे हैं, एक अब आदमी था उसको घूम रहा था कहीं कहीं पे, स्टार्टिंग में उसको 5-6 पेड़ मिला, वहीं पे रहने लगा, और रहने लगा तो सोचा ये पेड़ भी मेरा है क्योंकि नेचर ने तो सबको फ्री में दिया। उस आदमी वही पेड़ के पास रहता था और वही आम वगैरह खाता था, फिर उसने क्या किया, इस आम को बाहर किसी को चाह रहा था, बेचना चाह, तो जब अब फ्री में तो वो देगा नहीं क्योंकि वो वहां पे रह रहा है, और तो इसने क्या किया, ये कहेगा नहीं मैं इस पे यहाँ पे रह रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू ऐड किया, तो मैं यहाँ पे इस आम के बदले मैं आपसे लूंगा 1000। लेकिन उसको कुछ लगा? नहीं लगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन जीरो है क्योंकि ये नेचर ने तो उसको फ्री में ही दिया। अब ये 1000 मान लेते हैं उस आदमी ने आम बेचा किसी एक पर्सन को जो इसको जूस बना के बेचेगा। अब जो जूस बना के बेचेगा, ये एक पर्सन था जो आम के पेड़ के पास रहता था, दूसरा एक पर्सन है जो कि क्या बेच रहा है, जूस बेचेगा। अब वो जूस बेचेगा तो क्या ये 1000 में वो लेके आया, क्या ये 1000 में ही बेचेगा कि उससे कुछ ज्यादा? तो सर बोलोगे ज्यादा ही में बेचेगा क्योंकि बोलेगा कि हम मेहनत की है, वैल्यू एड की है। तो यहाँ पे मान लेते हैं 2000। तो यहाँ पे ये कितना वैल्यू एड किया? तो यहाँ पे आप लोग कहोगे सर यहाँ पे वैल्यू एड हुआ 2000। अब ये क्या है? तो जूस का मार्केट प्राइस है। कौन सा प्राइस है? ये मार्केट प्राइस। क्या ये मार्केट प्राइस बराबर है? देखो तो वैल्यू एडेड के यहाँ पे पहला जो आदमी आम के पेड़ के पास रहता था उसने, तो यहाँ पे वैल्यू एडेड आया आप लोग का कितना? 1000। खर्च तो जीरो था, तो वैल्यू एडेड आया उसको 1000। तो जूस बेच रहा है, उसने कितना वैल्यू एडेड किया? तो 1000 में वो खरीदा था, में बेच रहा है तो उसने वैल्यू ऐड किया। अब वैल्यू ऐड करो, 1000 प्लस 1000 ये भी 2000 है, मार्केट प्राइस 2000। कहने का मतलब है अगर हम लोग इकोनॉमी में ग्रॉस वैल्यू एडेड को ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आएगा? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस किन चीजों का? तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। आप लोग को ये बात याद भी करनी है। क्या याद करनी है? कि ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्यों होता है? तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल देके समझाया, और आप लोग ढेर सारे एग्जांपल खुद से भी कोट कर सकते हो। अब यहाँ तक हम लोग कहाँ पे आ गए हैं? तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस समझ में आ गया। क्या है जीडीपी एट मार्केट प्राइस? तो ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकलता है? तो ये फॉर्मूला है,
अब ध्यान देना, आप लोग को मैंने कन्वर्जन पढ़ाया है पहले, क्या निकालना होता है नेशनल इनकम में, एनएनपी एट एफसी, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। कैसे निकलेगा? तो स्टेप टू से निकलेगा। स्टेप टू क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस हमने निकाल लिया। कहां से निकाला? ये फॉर्मूला हमको पता था, हमने निकाल लिया। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस से नेशनल इनकम पे जाना है, तो मैंने आप लोग को पहले बताया है ग्रॉस है, नेट पे जाना है तो क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन हम लोग माइनस करेंगे। फिर क्या है, डोमेस्टिक है, नेशनल लेवल पे जाना है तो हम लोग डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाते हैं, तो एनएफआईए को ऐड करते हैं, नेट फैक्टर अर्निंग फ्रॉम अब्रॉड। फिर हमारा कहां पे थे हम लोग, यहाँ पे डोमेस्टिक से नेशनल पे आ गए, प्रोडक्ट हमारा प्रोडक्ट है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करते हैं, माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और इतना स्टेप हम लोग कर लेंगे तो इस मेथड से हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। अब बताओ किसी को कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, इसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल्स दूंगा उसको समझाऊंगा। क्या हमारा फाइंड डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या बताया था स्टार्टिंग में ही, एनडीपी एफसी, एंड नेशनल इनकम। क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल इनकम निकालना है, क्या क्या डेटा अवेलेबल है हमारे पास, तो मैं एक डेटा लिख देता हूं, दो डेटा लिखता हूं, ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक सेल्स कितना है, मान लेते हैं इतना, मान लेते हैं करोड़ में डेटा है हमारा, 1,00,000 करोड़। एक्सपोर्ट हमने कितना किया, जो आउटसाइड बेचा वो मान लेते हैं, वो भी हमारा 50,000 मान लेते हैं। डेटा सिंपल सिंपल लेते हैं हम लोग, आसानी से बनेगा। अब ये हो गया हमारा, और डेटा चाहिए हम लोग को, तो डेटा किस चीज, खर्च का डेटा चाहिए, स्टॉक का भी डेटा चाहिए। मान लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक का डेटा कितना है, तो ये मान लेते हैं 10,000 करोड़। ओपनिंग स्टॉक का डेटा मान लेते हैं 5,000 करोड़, ये डेटा ले लिया। और डेटा हम लोगों को किस चीज का चाहिए, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का डेटा चाहिए, तो डेटा ले लेते हैं हम लोग डोमेस्टिक परचेज कितना है, तो इससे कम लेना पड़ लेंगे डेटा हम लोग कोई भी, 50,000 मान लेते हैं, और डोमेस्टिक मान लेते हैं, इंपोर्ट भी कुछ किया होगा सपोज कर रहे हैं, पूरे इकोनॉमी लेवल पे हम लोग यहाँ पे डेटा लिख रहे हैं, कितना है 25,000 करोड़, ये डेटा लिख लिए हम लोग। और डेटा हम लोग को और चाहिए, किस चीज का चाहिए, डेप्रिसिएशन का। तो मैंने आप लोग को बहुत बारी बताया है, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम भी है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कितना मान लेते हैं, तो मैं इसको मान लेता हूँ 5,000 करोड़। इसके अलावा और डेटा चाहिए हम लोग को, इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह का भी डेटा चाहिए, ये चाहिए हम लोग को। इनडायरेक्ट टैक्स मान लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या लिख सकता है, जीएसटी भी लिख सकता है, चलो मैं जीएसटी लिख देता हूँ। जीएसटी का वैल्यू कितना मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं 5,000 करोड़। फिर मान लेते हैं सब्सिडीज का वैल्यू कितना मान लेते हैं, मान लेते हैं 2500 करोड़, 2500 नहीं कम मान लेते हैं 1,000 करोड़। एक मैंने ये क्वेश्चन फ्रेम किया है, एक और मैं फ्रेम करके दिखाऊंगा थोड़ी देर में, देख लो पहले इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, क्या निकालना है हम लोग को, नेशनल इनकम या और डोमेस्टिक इनकम। अब
जहां पे भी क्वेश्चन का डेटा इस तरीके से दिखा, जहां पे भी डेटा हमारा इस टाइप से अवेलेबल है, वहां पे कौन सा मेथड सुटेबल होगा इस इनकम को फाइंड आउट करने के लिए। तो कौन सा मेथड है, तो जैसा डेटा आप लोग देख के समझोगे कि यहाँ पे नेशनल इनकम निकलेगा वैल्यू एडेड मेथड से। और हमने पढ़ा है मेथड, क्या स्टेप पढ़ा है, हम लोग को निकालना होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। कैसे निकलता है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने बताया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता था, तो यहां पे लिख लेंगे सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक का मतलब है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब डोमेस्टिक परचेज, यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिख देते हैं हम लोग। अब सेल्स का मतलब क्या था हमारा, तो सेल्स का मतलब था हमारा दो चीज, डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट। अब ध्यान देना, क्वेश्चन आप लोग को कभी कभी कंफ्यूज करता है, क्वेश्चन में डेटा हमारा दो टाइप से रहता है, या फिर ये दोनों लिख देगा और या फिर लिख देगा सिर्फ सेल्स लिख देगा और एक्सपोर्ट भी लिखेगा। ध्यान देना, दोनों चीज लिखा। अब ध्यान देना, इन दोनों में कंफ्यूज क्या क्रिएट करेगा आपको, जैसे यहाँ पे सेल्स का डेटा हम लोग को लिखना है, अगर मान लो मैं दिमाग में हमें थोड़ी देर के लिए ये डाल लो कि से ये डेटा क्या हमारा, ये डेटा नहीं है, ये डेटा है, दिमाग में थोड़ी देर के लिए ये मानो कि ये डेटा के जगह पे ये लिखा हुआ है। सेल्स का डेटा 1,00,000 करोड़, एक्सपोर्ट का डेटा 50,000 करोड़। अब मुझे बताओ यहाँ पे सेल्स का डेटा मैं कितना लिखूं, क्या मैं इन दोनों को ऐड करूं या फिर सिर्फ इसका वैल्यू लिखूं? सिर्फ सेल्स का वैल्यू सर। कंफ्यूजन क्लियर है आप लोगों को? यस सर। हाँ, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके लिखा है सिर्फ सेल्स, तो क्या मतलब समझना है, इसने डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों को इंक्लूड करके ये डेटा लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दिया कि डोमेस्टिक सेल्स हमारा इतना है और एक्सपोर्ट इतना है, तब सेल्स निकालने के लिए क्या इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा? No, अगर ये मान लो ये डेटा है, अब बताओ सेल्स का डेटा में क्या इन दोनों को ऐड करे कि नहीं करे? करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये डोमेस्टिक सेल बता रहा है और ये हमारा एक्सपोर्ट बता रहा है। तो आप लोग को ये कंफ्यूजन क्वेश्चन क्रिएट करता है, तो अब मुझे समझ में आ गया कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे। चलो, वैसे क्या यहाँ पे भी कंफ्यूजन कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल करेगा। क्वेश्चन क्या कह देगा कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है, मान लेते हैं ये 50,000, मान लो यही डेटा है, यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन लिख दो और यहाँ पे इम्पोर्ट ही रहने देते हैं। अब ये डेटा रहता तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में क्या करते बताओ, इन दोनों को ऐड करते कि नहीं करते? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, कहने का मतलब ये दोनों को इंक्लूड कर लिया, जो डोमेस्टिक परचेज किए वो भी, जो बाहर से परचेज किए वो भी। हाँ, अब ये क्वेश्चन आप लोग बनाते हैं, ठीक है, तो ध्यान देते हैं। सेल्स निकालना है तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट को ऐड कर देंगे, 1,00,000, मैं करोड़ का डेटा नहीं लिखता हूँ, प्लस 50,000, ठीक है। अब क्या निकालना है, सेल्स निकल गया हम लोग का, कितना स्टॉक इस साल का है, तो 10,000 में से 5,000 माइनस करेंगे, 10,000 माइनस 5,000, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक का डेटा हमने लिख लिया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब क्या,
जो इस आउटपुट को बनाने में लगा, कहां कहां लगा, तो डोमेस्टिक खर्चा किया 50,000 और बाहर का कितना, बाहर से कितना खर्चा किया 25,000। तो इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल के आएगा कितना आया, 1,00,000 में ऐड किए 50,000 तो 1,50,000। फिर ये हमारा डेटा 5,000 और यहाँ पे कितना आएगा माइनस 75,000। 1,50,000 में से 75,000 माइनस किए तो 75,000 प्लस 5,000 डेटा कितना आया 80,000 करोड़। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना है 80,000 करोड़। अब क्या निकालना है, पहला एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो पहला लिखेंगे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब डोमेस्टिक इनकम पहले निकाल रहे हैं। क्या कैसे निकलता है, तो हमारे पास ये डेटा आ गया, ठीक है। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन आप लोग को मैंने बता रखा है, ग्रॉस को नेट में जाना है तो डेप्रिसिएशन माइनस, और डोमेस्टिक है डोमेस्टिक पे ही रहना है, कोई दिक्कत ही नहीं है हमको, कोई छोड़ देते हैं। प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट प्राइस है, लेकिन जाना है फैक्टर कॉस्ट में, तो माइनस एनआईटी। लेकिन एनआईटी का डेटा नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो एनआईटी का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब लगा दो फॉर्मूला, डाल देते हैं वैल्यू, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना हो जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस 80,000 हम लोग निकाले हैं, डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 5,000 लिख देते हैं। अब निकालना है इनडायरेक्ट, ये एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या होता है फॉर्मूला, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जीएसटी, 5,000 माइनस 1,000 सॉल्व कर देंगे तो ये कितना आएगा 75,000 माइनस 4,000 71,000। अब दूसरा चीज क्या निकालना है, नेशनल इनकम एनएनपी एट एफसी, दो तरीके से निकाल सकते हो, इस एग्रीगेट से भी और इस एग्रीगेट से भी। एनएनपी एट एफसी इस वाले क्वेश्चन में इस एग्रीगेट से भी निकाल सकते हैं, इस एग्रीगेट में भी निकाल सकते, या फिर किसी भी क्वेश्चन में। क्यों क्यों ऐसा, क्योंकि आप लोग को पता है ये एग्रीगेट को भी इसमें हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो मैंने फाइंड किया है उसको भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। आप लोग को मैं इसी से करके दिखाता हूं, पहले एनएनपी एट एफसी इस एग्रीगेट से निकालना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से। कैसे निकलेगा, ग्रॉस को नेट में जाना है, डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है एनएफआईए। अब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट प्राइस से आना है फैक्टर कॉस्ट पे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में मैंने एक डेटा छोड़ दिया, क्या तुम लोग बता सकते हो मैंने कौन सा डेटा नहीं दिया है, एनएफआईए। वेरी गुड, आप लोग क्वेश्चन भी फ्रेम करना सीख रहे हो। एनएफआईए का डेटा मैं मान लेता हूँ कितना, कोई भी डेटा मान लेता हूँ 10,000 करोड़। अब ये डेटा हम लोग पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस 80,000, डेप्रिसिएशन 5,000, एनएफआईए 10,000 और इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज का वैल्यू 4,000 था, तो 4,000 सॉल्व करेंगे वैल्यू, तो 80,000 प्लस 10,000 90,000 माइनस 9,000 81,000।
चलो बताओ आप लोग को इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है? सबसे बनेगा आप क्वेश्चन आगे जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा। यस सर। चलो यस सर। हाँ समझ में आया सबको? बोलना क्या है? हाँ आप लोग का ये होमवर्क है कि ये 10 क्वेश्चन वैल्यू एडेड मेथड पे आप लोग को बना के लाना है। और थैंक यू, प्रैक्टिस कीजिए और कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कंसल्ट कीजिए। आज का क्लास इतना ही, थैंक यू वेरी मच।